नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय प्रखंड की निवासी सोनम आर यादव, जो कि पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग क्षेत्र में भी अपना एक अलग ही पहचान बना चुकी है। आपको बता दें कि सोनम एक प्रोफेशनल सिंगर है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने सोनम से खास बातचीत की है। देखिए, बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय प्रखंड के अजनोल ग्राम निवासी रामविलास यादव की पुत्री सोनम आर यादव, जो पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बना चुकी है। सोनम एक प्रोफेशनल सिंगर है, जो हिंदी, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाओं में कई गानों में अपनी आवाज दी है। गायकी के क्षेत्र में सोनम की लोकप्रियता अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि उनके फेसबुक पेज सोनम आर यादव पर 403 के फॉलोवर्स है और 270,000 से अधिक लोगों ने पेज लाइक किया है। वहीं उनके यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो उनके चैनल सोनम आर यादव ऑफिशियल को 49,500 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। वर्तमान में सोनम आर यादव मुंबई में रहती है। इनके कार्य में इनके पिता न सिर्फ प्रोत्साहित करते हैं बल्कि पूर्ण सहयोग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। मैं इस वक्त समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय गांव में हूँ। यहाँ एक गायिका हैं सोनम आर यादव, उनसे बात करना चाहते हैं कुछ खास बातचीत में, तो कैसे आगे बढ़े हैं और संगीत से उनका रुचि कैसे हो? पहले उनसे जानना चाहेंगे, वो पर्चे बताएं। मैं सोनम आर यादव आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट गाँव दलसिंह सराय से हूँ और बचपन से मुंबई में रहती हूँ और पढ़ाई लिखाई भी मुंबई में ही करती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ गायकी भी करती हूँ। गायकी का आप जो गायक जो बने हैं, कैसे गायक आपका रुचि आया पढ़ाई करते हुए, जो आप जो है सो गायक में गाना गाने लगे, आप ये बताइए। जी, मैं स्कूल में गाना गाती थी और मेरा गाना सब लोग बहुत पसंद करते थे कि बहुत ही अच्छा गाती है, इसका आवाज़ बहुत ही अच्छा है। तो स्कूल से अगर मैं गाती थी, सब लोग मुझे लीडर बनाते थे गाने में, तो फिर स्कूल में सब लोग बहुत पसंद किए। उसके बाद मैंने पापा को बोली कि पापा मुझे गाना गाना है, तो फिर पापा बोले कि गाना गाना है ठीक है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मैंने बोली कि पापा मैं मेहनत करूँगी, तो फिर पापा बोले ठीक है, मैं फेसबुक बना देता हूँ, फेसबुक आईडी, उस पर तू लाएगा और गाना गा, सबको पसंद आएगा तो गाते रहना। तो फिर मेरे पापा ने फेसबुक पेज बना दिया मेरा, तो मैं उस पर गाना गाई थी मिले हो तुम हमको, ये सॉन्ग से मुझे आज जानते हैं सबसे पहले ये सॉन्ग मैं गाई थी। पहला सॉन्ग कौन सा था, वो थोड़ा गुनगुना के बताइए। तो ये सॉन्ग मैं गाई थी फेसबुक पे, मिले हो तुम हमको, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीबों के, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो आपको फिल्म में काम मिले तो आप करना चाहेंगे या आपका आगे क्या करने का विचार है, ये बताइए। जी, मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा तो मैं गाना गाऊंगी, लेकिन फिल्म में काम करने का इंटरेस्ट नहीं है, गाना गाने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल गाऊंगी। जी, आपको आगे बढ़ने में आपका किनका किनका साथ मिला, आपका मम्मी पापा किनका साथ मिला सबसे ज्यादा? जी, सबसे पहले मैं गाई तो मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट किए और जब मैं गाना गाई तो पब्लिक ने भी बहुत सपोर्ट किए, तो मैं दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो इतना आशीर्वाद देते हैं मुझे और सपोर्ट करते हैं। चलिए, आप समस्तीपुर जिले से हैं आप, ये गर्व की बात है, और समस्तीपुर वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जैसे प्यार आशीर्वाद देते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं,
ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़ाइए।